ये छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि तारक मेहता एक लाइफ के साथ चल रहा है। 2008 में जो तारक मेहता था वो भी 2022 में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बस यही मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज देने वाले हम कोई नहीं है, बस तारक सभी फैन से इतना ही एक रिक्वेस्ट है, विनती, बहुत सारी यादों का एक कारवां मैं बोल सकता हूँ 2008 से लेके 2022। ये एक्चुअली आप खुद सोच सकते हैं कि आप किसी शो में आप काम करते हो, मान लो आज 2022 है, 28 जुलाई 2022 मैंने एक शो में काम करना शुरू किया, पता चला कि 2036 में भी मैं वही शो कर रहा हूँ, ये मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता था। तो उसी वही बात है कि अगर 2008 में शो में मैं सिलेक्ट हुआ और हमने काम करना शुरू किया, किसी को नहीं पता था उस वक्त, हमेशा रहता था कि हाँ यार शो तो मिला है, डेली शो मिला है, चलो अच्छा है, एक दो साल तो देखते हैं क्या है, लेकिन देखते ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कुछ तो काम ढूंढना पड़ेगा, एज ए एक्टर ये सोचते थे हम लोग, मेरे जैसे और भी कलाकार है वो सोचते थे। लेकिन 2009 में जैसे वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि नहीं, लोगों को कुछ तो इसमें बात नजर आ रही है, हालांकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्लॉट कोई नया प्लॉट नहीं है, ऐसे कई प्लॉट पहले भी आके गए, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि हम सारे कलाकार नए थे उस दरमियान, जो ऑथेंटिक थे, मराठी मराठी, पंजाबी पंजाबी, पारसी पारसी, साउथ इंडियन, बंगाली बंगाली, गुजराती, तो उस वजह से हर एक भाषा का जो एक जो लहजा होता था, हर एक भाषा की जो एक न्यूजेंस होती, वैल्यू होती थी, वो उसमें पूरी तरह से उतर आई उस कैरेक्टर में। मैं मराठी हूँ तो मेरे हमारे घर के सीन जैसे होते हैं टिपिकल महाराष्ट्रीयन घर में, वैसे लोगों को देखने मिले, तो लोग को ज़्यादा रिलेट कर पाए। एंड द मेन यूएसपी ऑफ द शो इज़ कि आप ऑडियंस रिलेट कर पा रही है इस शो से, कि भाई मेरे घर में भी ऐसा होता है, ये सेम चीज़ मेरे घर में होती है, जो जेठा दया में होता है वो कितने सारे गुजराती घरों में होता होगा, जो भीड़े माध्यम में होता है कितने सारे महाराष्ट्रीय घरों में होता होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, जैसे सरदार और पारसी का संगम ही कितनी अजीब, मतलब एक विचित्र बात है सुनने में, लेकिन एक सरदार जी और पारसी साथ में रह रहे, उनका लव मैरिज है, एक अपने आप एक अलग बात है। बिल्कुल बहुत मिस किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक दूसरे के साथ इतने साल से काम कर रहे हो कंटिन्यू, आप रोज़ उनको 12-12 घंटे बातें कर रहे हो, उनके साथ सीन कर रहे हो, अचानक वो इंसान अगर चला जाए तो बहुत दुख होता है। ऐसे हमारे कलाकार हमारे बीच नहीं रहे, हमारे घनश्याम जी, नटू काका जी नहीं रहे, हमारे आज़ाद जी, हमारे डॉक्टर हाथी, वो नहीं रहे, लेकिन इसमें चमत्कार भी उतने ही हुए हैं। जैसे हमारे ऑडियंस को सभी को मालूम है कि निर्मल जो अभी हमारे डॉक्टर हाथी थे, वो सबसे पहले एपिसोड में डॉक्टर हाथी की भूमिका निभा रहे हैं, फिर कुछ वजह से वो भूमिका नहीं कर पाए, फिर हमारे बीच आज़ाद जी आए, उन्होंने 10 साल तक काम किया, और देखो घूम फिर के निर्मल को वापस आना था इस शो में, क्योंकि उसका भाग यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर वो डॉक्टर हाथी की भूमिका में वापस आ गए। तो ऐसे कई सारे चमत्कार इस शो के साथ हुए। मेरा बस इतना मानना है कि भाई अपने कर्म करते जाना है, ऊपर वाला देख रहा है इस शो को, क्योंकि हमें ऑडियंस के इतने सारे आशीर्वाद मिलते हैं। सी एप्रिसिएशन सभी शो को मिलता है, लेकिन ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, कि जैसे हमें कोई भी फैन मिलता है, कोई भी बुजुर्ग आदमी मिलता है, तो उनको लगता है आपका शो चलता है क्या, आपके शो से मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाने लगा है, मेरा पोता मेरे साथ खाना खाने लगा है, तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक कॉम्प्लीमेंट है हम सबके लिए। बहुत खुशी होती है, जैसे हमारे काफ़ी सारे फैन पाकिस्तान में भी है, दुबई में है, यूके में है, यूरोप में है, काफ़ी सारी जगह। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ था जब मैं दुबई गया था मेरे कुछ काम से, और वहाँ पे फिलिपिनो मुझे मिले थे, 2-3 लोग ऐसे मिले थे कि उन्होंने यू वर्क इन दैट मुश्ताज गाय, दैट मुश्ताज गाय, तो मतलब वो भी ये सीरियल देखते हैं, वहाँ पे सबटाइटल्स के साथ सीरियल आता है, तो उनमें भी ये सीरियल, मतलब उनको भी इतनी लोकप्रियता है वहाँ पे भी। हमारे इंडियंस तो खैर देखते ही है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया अदर देन इंडियन पीपल ऑल्सो एन्जॉय दिस सीरियल, सो दैट इज समथिंग वेरी मिरेकुलस। सी देखो ना, वो भी कैरेक्टर बन गया, पोपटलाल के क्षत्रिय एक कैरेक्टर बन गया, मेरा सखाराम एक कैरेक्टर बन गया, क्योंकि भिड़े एक आम मिडिल क्लास इंसान है, उसकी कुछ वैल्यूज़ है, वो अगर कोई पैसे देके कोई चीज़ खरीदता है तो उस चीज़ से उसको लगाव हो जाता है, जैसे सखाराम है, क्योंकि उसने उसका साथ दिया है, पहले वाला जो स्कूटर था उसने भी उसका काफ़ी साथ दिया, फिर माधवी ने उसको सखाराम गिफ्ट किया, उसके बाद उसका भी उसके साथ लगाव बन गया। तो एक छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में यही है कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेना, सो दैट इज़ अ यूएसपी।
वही तो हमारे भी, मैं क्या बोलता हूँ ना कि हमें पहले कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, फिर हमें कंप्लेंट्स आए, कॉम्प्लीमेंट की जगह कंप्लेंट ने ले ली कि पूरा दिन तारक मेहता देखता रहता है, अब कुछ बोलो तो बोलना पड़ता है कि भाई 8:30 से 9 के बीच में तारक मेहता देखना है, बाकी टाइम पढ़ाई करनी ज़रूरी है, बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं वो भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ द शो कि आज मैं भी अगर मुझे टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, तो मैं पुराने एपिसोड देख के अपने आप को थोड़ा सा चार्ज अप कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें भी एक अलग मज़ा था। क्योंकि सी तारक मेहता इज़ अ वे ऑफ लाइफ नाउ, आप उसको सीरियल नहीं बोल सकते, क्योंकि तारक मेहता एक लाइफ के साथ चल रहा है। 2008 में जो तारक मेहता था वो भी 2022 में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली 2008 में जो सिचुएशन थी वो 2022 में नहीं होगी, वो अलग होगी, तो उस हिसाब से आगे जाना पड़ेगा। बस यही मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज देने वाले हम कोई नहीं है, बस तारक सभी फैन से इतना ही एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि जैसा 14 साल से आपने प्यार दिया है, आगे भी जब तक ऊपर वाले की मर्जी है हम लोग ये शो चलाते रहेंगे, जब तक आपका प्यार मिलता रहेगा हम लोग शो चलाते रहेंगे, बस प्यार मिलता रहे।